हेलो दोस्तों दिस इज विशाखा टागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड कहते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी ऐसी है जो भी उसको मास्टर कर लेगा उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि इसके बाद वो दुनिया के कोई भी कोड को तोड़ सकता है और दुनिया का जितना सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बाद हो जाएगा इसलिए सभी कंट्रीज इस रेस में है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी को बाकियों से पहले मास्टर कर लें इंडिया भी सिमिलरली हैज कम अपू टेक्नोलॉजी दैट इज क्वी सिम टूल किट या फिर क्वांटम कंप्यूटर सिमिलेटेड टूल टू प्रमोट द क्वांटम टेक्नोलॉजी तो इस वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि पहली बात क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है दूसरा हम ये जानेंगे कि और, और कौन से कौन से क्वांटम डेवलपमेंट हुए हैं बिकॉज रिसेंटली दिस हैजिन इन न्यूज आई टी रू की आई एस सी बाकी इसे रिलीज किया है तो वील डिस्कस क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है साथ में आपके क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है इसके साथ सुपर इम्पोजिशन और इंटेंगलमेंट के भी आपके डाउट खत्म हो जाएंगे साथ में क्यू टूलकिट समझेंगे और इसी के साथ हम जानेंगे कि नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन क्या होता है चलिए बढ़ते हैं एक एक करके आगे तो सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए क्यू सिम इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री इसको समझने से पहले इसका हम देख सकते हैं क्या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है होम अफेयर्स है या मीटिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वीडियो को पॉज करके इसका जवाब एक बार देखे तो देखिए अंत में मैं आपको बता ही दूंगी चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्वांटम टेक्नोलॉजी टि को समझने के लिए आपको हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में समझा देती हूँ इस टेक्नोलॉजी ने क्या कहा था इस इन साइंटिस्ट ने कहा था कि जो मैक्रो ऑब्जेक्ट होते हैं हम जैसे लोग और जो माइक्रो ऑब्जेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड पार्टिकल्स वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स में इन सेंस कि जो मैक्रो ऑब्जेक्ट होते हैं हो, उसमें सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें आप स्पीड और ऑब्जेक्ट हर चीज़ निकाल सकते हो शेप साइज़ हर चीज़ डिटर्माइन कर सकते हो वहीं माइक्रो ऑब्जेक्ट में सर्टेनिटी नहीं होती अगर आपने वेलोसिटी निकाली तो स्पीड आप डिस्ट आप उसकी पोजिशन नहीं निकाल सकते पोजिशन निकाले तो स्पीड एकदम गलत हो जाएगी दैट्स वाई वो जो आपके इस पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी में काम करते हैं और इस प्रोबेबिलिटी से जो एक तरीके का कर्स माना जाता है कि एक्यूरेसी नहीं है यही प्रोबेबिलिटी आपके वरदान हो जाते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स में क्वांटम कंप्यूटिंग में वरदान क्यों होती है बिकॉज जहाँ पे मैक्रो ऑब्जेक्ट में सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है या तो हाँ या ना या तो हार या जीत वहीं क्वांटम टेक्नोलॉजी में हार जीत नहीं होती वहाँ हर पॉसिबिलिटीज होती है अब जरा समझ के देखिए मैं अगर आपको समझाऊँ तो कुछ ऐसा है नॉर्मल कंप्यूटर नॉर्मली आप आप इन्फॉर्मेशन हाइया नाम ही लेते हो बट यहाँ बाइनरी नहीं होती नॉर्मल कंप्यूटर आपकी इन्फॉर्मेशन या तो जीरो लेगा या वन लेगा तो एक ही आपका आउटपुट होगा कि हाई वोल्टेज आपका वन होता है लो वोल्टेज आपका जीरो आउटपुट एक ही होगा इस केस में राइट कि एक ही चीज एग्जिस्ट कर सकती है पर क्वांटम कंप्यूटर में तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं ये जीरो भी वन करेगा वन तो यहाँ पे तो दो आउटपुट हो जाते हैं यहीं पर अगर आपने एक की जगह दो अगर आपने यूज की तो या तो एक की जीरो है या एक की वन या एक की वन एक की जीरो मतलब दो ही आउटपुट आपके निकलेंगे राइट अब जो भी वैल्यू दो की फीड कर रहे हो कि एक ही जीरो एक की वन दे दी यहाँ पे आउटपुट क्या होंगे जीरो वन आपका जीरो जीरो वन वन जीरो वन एंड वन जीरो तो यहाँ पे तो चार आउटपुट हो सकते हैं यहीं पे अगर आप तीन ले लोगे तो यहाँ पे तीन आएंगे और यहाँ पे आएंगे आठ इसका मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ n टाइम्स प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है तो यहाँ पर टू रेस्ट पावर n हो जाता है इसी को सर थाउजेंड में देखेंगे अगर यहाँ थाउजेंड होगा तो यहाँ पर टू रेस्ट पावर थाउजेंड हो जाएगा राइट दैट्स हाउ इट इज डिफरेंट एंड दैट्स हाउ इसकी प्रोसेसिंग केपेबिलिटीज टू रेस टू पावर एंड बढ़ चुकी है दैट्स हाउ क्वांटम टेक्नोलॉजी इज रिवोल्यूशनरी क्योंकि इसने मैग्नीफाई कर दिया है प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन inform, को प्रोसेस करने की क्वालिटी को अब ये जो क्वालिटी है कि कोई भी जो आपके क्वांटम जो बिट्स होती हैं वो आपकी जीरो या वन दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है इसको कहते हैं सुपर पोजिशन आई कैन बी जीरो एंड वन एट द सेम टाइम इस प्रिंसिपल को कहते हैं सुपर पोजिशन नॉर्मल कंप्यूटर में आप बिट्स में इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो यहीं पे सुपर कंप्यूटर में इन्हें क्यूबिट्स कहते हैं क्योंकि दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं साथ में अगर यहाँ पे दो यूनिट हैं तो कहते हैं कि अगर दो यूनिट हैं तो ये एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट नहीं है कि अगर इसकी इसकी स्पिन चेंज करोगे तो इसकी स्पिन भी बदल जाएगी इसका कलर चेंज करोगे तो इसकी भी बदल जाएगी इस फिनिना को व्हेन टू बिट्स आर नॉट इंटर आर नॉट डिपेंड लाइक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड इंटेंगल में दैट इज दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर तो आई होप आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी आपसे समझ में आ गई क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्लीटली आप समझ चुके हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं इससे फायदा क्या होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो स्पीड बढ़ गई राइट कितना प्रोसेस कर पा रहे हैं टू रेजिस्ट दावर एन जहां पे सिर्फ एन है साथ में एफिशिएंसी बढ़ जाती है सिर्फ इसकी वजह से हमारे जो काम पहले आठ आठ साल में होते थे कहते हैं उसे एक घंटे में कर सकते हैं जैसे ह्यूमन जनॉम प्रोजेक्ट को डिकेट्स लग गए पूर, पूरा करने में ये वही काम घंटों में करके दे सकती है आपकी मशीन लर्निंग पॉसिबल हो जाएगी बिकॉज वो डेटा को प्रोसेस करती है तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरीथिंग एक नए पैराडा पैराडाइम को देखेगी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट की सेफ्टी पर पूरा यही इसी पे दारोमदार आ जाता है लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि क्वांटम जो जो होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका कोड ढूंढना मुश्किल होता है और इंडियंस में स्पेशली इसके अवेलेबिलिटी कम है इसके साथ क्वांटम के लिए हार्डवेयर वो जो टेम्परेचर प्रेशर पर आपको काम करना होता है वो हर फैसिलिटीज़ में हर यूनिवर्सिटीज़ में भी अवेलेबल नहीं है इसी मुद्दे से डील करने के लिए हमारा क्यूसिम टूल आती है ये प्रोग्राम ये दो चीज़ों पे काम करती है पहली बात तो प्रोग्राम और दूसरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की प्रॉब्लम को सुलझा देती है कैसे इट राइट एंड डीप क्वांटम कोड क्वांटम एल्गोरिदम के लिए जो भी आपको कोड चाहिए वो ऑलरेडी एक कंप्यूटर में एक बड़े से सुपर कंप्यूटर में प्रोवाइडेड है यस yes, यहां पे एक सुपर कंप्यूटर आपको प्रोवाइड किया गया है इसी के साथ डिजाइन में ध्यान रखा गया है डिजाइन में डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां ऐसे क्वांटम हार्डवेयर प्रोवाइड किए गए हैं जिसको कहते हैं इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस या फिर सिंपल भाषा में बोल, बोला जाए तो आपका क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर इंटीग्रेटेड विद आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस वर्क वर्क बेस्ड स्टेशन इतनी लंबी बात मैंने बोल दी राइट और आपको शायद रटनी भी पड़ेगी पर समझना बहुत आसान है हिस्सों में तोड़िए तो आप देखोगे क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर है और ग्राफिक यूज इंटरफेस है आपका तो कुछ नहीं ये आपका तो पर्सन इस आपने कोड फीड किया यहाँ पे इसने कोड फीड किया तो यहाँ पे एक ऐसा सिम्युलेटर है जो ग्राफिक्स को यूज़ करके आपका रिजल्ट वहाँ पे दिखा देगा राइट आपने कोड फीड किए कोड फीड करते कंप्यूटर में गए कंप्यूटर वेट नहीं कर रहा है आपके चीज़ों के बनने का जो आपने कोड फीड किए हैं साइमल्टेनियसली आपकी चिप्स भी फॉर्म में आपको इमेज आ गई आपके सामने जैसे एप्पल के ऊपर ऐसे नहीं दिस इज वॉज स्टीव जॉब वॉज ट्राइंग टू डू कि हर चीज उसको देखने लगे सिमिलरली जैसे वर्चुअल रियालिटी में होता है कि थिंग्स आर नॉट एग्जिस्टिंग रियालिटी बट उसका सिमुलेशन आपको मिल जाता है ना दिस इज वॉट इज हैपनिंग हेयर एक आपको प्रोग्राम दे दिए और दूसरा आपका हार्डवेयर मिल गया और इसकी वजह से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं तो इसमें दिस इज क्यू सिम टूल किट प्रोग्राम एंड हार्डवेयर इसके लिए यूज़ किया गया है आपका सुपर कंप्यूटर यूज़ किया गया है जैसे आपका परम शबक है या परम क्यूसेम क्लाउड करके हैं इनको बनाया है आईआईसी आई बैंगलोर ने साथ में आपके आईआईटी आई रूर की है और सी डेक मिल के काम करें सी डैक वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इसे फंड कर रही है कम्पलीटली तो इसका दारोमदार किसके पास है इसी के पास है मीटी के पास यहाँ से आपका सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा पर चलिए पहले बात करते हैं इससे फ़ायदा क्या होगा इसका फायदा ये होगा पहली बात तो क्वांटम कंप्यूटिंग में आपकी एडवांसमेंट हो जाएगी क्योंकि अब हमें जो रिसोर्स हैं वो मिलने लगे हैं दूसरा बाकी रिसर्च इसमें बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी क्योंकि हर यूनिवर्सिटी को अलग, अलग अलग पैसा नहीं लगाना पड़ रहा एक तो आपको सुपर कंप्यूटर मिल रहे हैं साथ में आपको युनि, आपकी यूनिवर्सिटीज नहीं आपकी स्टेट आपका ध्यान रख रही है तो रिसर्चर्स को फायदा होगा नए बच्चे कंप्यूटिंग में आएंगे बिकॉज क्वांटम में इसलिए नहीं आ पाते कि उसकी प्रैक्टिकल एपेबिलिटी नहीं है

ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री टेक के अंदर है वहीं पे आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है ये इसको स्टेयर करने वाली मीटी है और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक भी आती है और इंप्लीमेंट करती है तो यहाँ पे साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री का भी रोल है इसका ध्यान इसलिए रखें बिकॉज यूपीएससी ऐसे ही सवालों पर आपको उलझाती है कि क्यूसम टेक्नोलॉजी इसके अंदर है लेकिन नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी किस मिनिस्ट्री के अंदर है ऐसे यू कैन बी कन्फ्यूज तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है तो आप मुझे सवाल का जवाब दे सकते हैं विच विच टूल क्यू सिम टूल किट किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी तो साइंस एंड टैग इसका जवाब ना दें इसका जवाब मीटी है लेकिन अगर वो मिशन आएगा तो उसका जवाब क्या होगा साइंस एंड टैग ना दैट इज़ फॉर ऑल आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी क्लियर होगी क्यूसिम टूल किट भी समझ में आ गए ना ऑफ दैट इज़ द केस तो हमें लाइक like करें सब्सक्राइब करें एंड कनेक्ट करें बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट टू हेल्प यू थैंक यू सो मच Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than hundred students crack IAS with our Current Affairs classes.